खबरों में आगे बढ़ते हैं। कन्नौज से नाबालिग से रेप के प्रयास के आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी का नेता है और पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रह चुका है। ये वही नवाब सिंह यादव है जो पहले डिंपल यादव का प्रतिनिधि हुआ करता था। नाबालिग की बुआ के मुताबिक नवाब सिंह यादव ने नौकरी दिलाने के नाम पर इस नाबालिग को रात में सदर कोतवाली क्षेत्र के चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय बुलाया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। लड़की ने वहीं से 112 डायल किया और फिर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी नवाब सिंह यादव को अरेस्ट कर लिया। वहीं नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी के बाद तमाम एसपी कार्यकर्ता कोतवाली पर इकट्ठा हो गए हैं। पुलिस ने नवाब सिंह यादव पर पॉक्सो एक्ट समेत रेप के प्रयास की धाराओं में केस दर्ज किया है। आज रात्रि लगभग 1:30 बजे यूपी 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और पीआरबी मौके पे पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसका संज्ञान लिया था और उसमें उसमें गिरफ्तारी की गई है और आगे की विधिक कार्रवाई वो की जा रही है। कुछ रेप पॉक्सो से जुड़ा मामला बता रहे? हाँ, वो चीज़ें आई हैं, उनके द्वारा मैंने कहा था कि एसपी कन्नौज सभी डिटेल इस बारे में प्रेस के साथ शेयर करें।